साथ में एक आलू का पराठा भी ऑर्डर किया था जो 600 नेपाली रुपीस का है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आज हम उस साइड जाएंगे लोबुचे के लिए। सामने का पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर तक आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पत्थर हैं। काफ़ी बड़ा ये मैदान है जहाँ पर ये मेमोरियल बनाया गया है। काफ़ी इंस्पिरेशनल उनकी स्टोरी भी है। देखिए एक नदी बह रही है और साथ में रूम की बात करूँ, रूम के किराए की, तो ये सब बिल्कुल फ्रीज है, बिल्कुल जमा हुआ है। और इस तो घर पर बात हमने ऐसे कि यहाँ पर एक एवरेस्ट लिंक करके एक वाईफाई चलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी बैठे हैं। ये है हमारी हाई ऑल्टीट्यूड हर्बल टी और ये है चीज़ ऑमलेट। तो जो चीज़ ऑमलेट है वो 450 रुपीस का है नेपाली रुपीस, और जो हाई ऑल्टीट्यूड हर्बल टी है वो 250 नेपाली रुपीस की है। अब ये जो हाई ऑल्टीट्यूड हर्बल टी है इसके लिए मतलब ऐसा था कि इसका फ़ायदा ये है कि अभी जैसे हमें और हाई ऑल्टीट्यूड पर जाना है और हाइट पर आगे जाना है, तो उसके लिए ये चाय जो है ये फ़ायदेमंद है काफ़ी। तो हमने सोचा कि ठीक है आज इसको ट्राई करके देखते हैं। और साथ ही साथ हमने एक हमने एक आलू का पराठा भी ऑर्डर किया था जो 600 नेपाली रुपीस का है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो कुछ ऐसा है। और पापा जी कह रहे हैं इसके ऊपर तो इन्होंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ये डायरेक्ट रोटी की तरह बना हुआ है। ओके बाय बाय। लोबुचे यस। ओके चलते हैं रूम की तरफ और अपना सामान पैक करते हैं। और सामान पैक करके लोबुचे के लिए निकलते हैं। टाइम देखते हैं अभी कितना हो गया, मोबाइल ऑफ है। और बिल हमारा टोटल हुआ है 6330 नेपाली रुपीस, जिसमें हमारा 2 दिन का रूम का रेंट भी है और बाकी जो भी हमने लंच ब्रेकफास्ट डिनर में जो भी हमने चीज़ें ली बाकी बिल उसका। तो भाई अब हम लोग अपना सामान वगैरह सब पैक हो गया है। पानी वगैरह हमने सब कुछ अपना बोटल्स रिफ़िल कर ली हैं। अब हम लोग दिंगबोचे से लोबुचे के लिए निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है पहुंचने में, किस टाइम तक पहुंच पाते हैं और ट्रैक कैसा रहता है आज का हमारा। तो चलते हैं आज का ट्रैक स्टार्ट करते हैं जी। चलिए तो ये भी हम लोगों ने बस होटल से आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि हमने देखा साइड में जो ट्रैक है, जो रास्ता है, ये इसके साइड में जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हो पूरा बर्फ़ जमी हुई है उसके अंदर। बोर्ड पर देख सकते हो लोबुचे जाने के लिए हमें लेफ़्ट साइड जाना है। और अगर जो लोग चुकुंग जाते हैं उनको राइट साइड जाना है। जो लोग यहाँ पर 3 पास ट्रेल कर रहे हैं वो लोग चुकुंग जाते हैं, पहले वहाँ पर 1 पास कंप्लीट करते हैं, दैन लोबुचे होते हुए फिर वो अपने बाकी 2 पास की तरफ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम 3 पास ट्रेल नहीं कर रहे हैं, 3 पास ट्रेल से नाम से एक ट्रैक होता है यहाँ पर, उसमें 3 पास कवर करते हैं लोग और साथ में एवरेस्ट बेस कैंप भी करते हैं। तो हम लोग क्योंकि 3 पास ट्रेल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लोबुचे की साइड आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो लोबुचे ही होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं वहाँ काफ़ी बादल आ चुके हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जब तक शाम होगी, शायद शाम होते होते मौसम फिर से कल की तरह बदल जाएगा और धूप कम हो जाएगी। बाकी देखते हैं। लेकिन अभी सुबह के लगभग 10 ही बज रहे हैं, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। तो मैं अपना फेस वगैरह कवर करता हूँ और चलते हैं। तो अभी कुछ दूर हम ट्रैकिंग करते हुए दिंगबोचे से ऊपर की तरफ आए हैं और जहाँ पर कल हम एक्लेमेटाइजेशन हाइक के लिए जहाँ से हमने अपना रास्ता शुरू किया था और हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ आए थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लैग है, ये वही जगह है, वही फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर हम कल भी आए थे और कल हमने यहीं से ऊपर अपना एक्लेमेटाइजेशन के लिए ऊपर पीक पर हमने चढ़ना शुरू किया था। तो आज का भी रास्ता लोबूचे के लिए यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम आज ऊपर की तरफ ना जाकर वहाँ जो सामने आप घाटी देख सकते हैं, आज हम उस साइड जाएंगे लोबूचे के लिए। तो अभी हम लोबूचे के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, नीचे यहाँ से पूरा दिंगबोचे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर तक कुछ दूर आगे ट्रैकिंग करते हुए हम आगे आ गए हैं और अभी तक रास्ता पूरा घाटी के अंदर ही है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था जो वो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ हम कल भी गए थे एक्लेमेटाइजेशन हाइक के टाइम। तो वहाँ से जितना हम लोबूचे की तरफ अभी आगे बढ़े हैं, पूरा रास्ता अभी तक घाटी में है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टाइम काफ़ी हो गया, धूप भी ज़्यादा निकली हुई है काफ़ी, लेकिन इतनी धूप के बाद भी यहाँ पर बीच में एक जगह पानी बह रहा है। इतनी धूप के बाद भी अभी तक भी यहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघली नहीं है, देख सकते हैं बर्फ़ है। मेरे यहाँ तापमान है, ये रात को माइनस में रहता है तापमान, तो उसकी वजह से ये पूरा बर्फ़ जम जाती है। ये अभी भी थोड़ा धूप निकल गई है तो इसलिए थोड़ी बर्फ़ पिघली है, तो थोड़ा सा पानी बह रहा है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बर्फ़ जो है वो पिघली नहीं है, जगह जगह पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। अभी हम लोग कुछ दूर ट्रैकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सामने एक काफ़ी बेहतरीन नज़ारा हमें देखने के लिए मिला, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वहाँ सामने आप देख सकते हैं एक छोटी सी लेक यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है वहाँ पर, तो इसीलिए वो काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन उसका पानी यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल एकदम हरा पानी है उसका, बिल्कुल साफ़। अभी कुछ दूर और ट्रैक करते हुए हम लोग आगे आ गए हैं। तो अभी रास्ता अभी चढ़ाई पर नहीं है, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और वैसे अगर मैं दिंगबोचे से बात करूं तो रास्ते में इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन हाँ पूरा घाटी में रास्ता है, तो हवा काफ़ी ठंडी है। और जब से हम चल रहे हैं तब से अभी मैं आप सामने दिखाता हूँ आपको, वहाँ सामने आप देख सकते हैं कुछ घर बने हुए हैं। तो जब से हम चल रहे हैं, अभी आज हमने ट्रैक शुरू किया है दिंगबोचे से, उसके बाद वो हमें पहला ऐसा स्पॉट दिखाई दे रहा है सामने जहाँ पर रुक सकते हैं, लंच ब्रेक वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। ये सामने जो देख सकते हैं आप, यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलते हुए अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने ट्रैक पर। भाई ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ दो चार ही कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, लेकिन वहाँ के लिए आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इस साइड हैं और हमें क्रॉस करके वहाँ दूसरी साइड जाना है। और बीच में नदी बह रही है और काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हैं, लेकिन स्टिल हमें अभी तक वहाँ पर कोई ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किसी ब्रिज से होते हुए उसको क्रॉस करेंगे। तो लग ऐसा ही रहा है कि उन पत्थरों में से निकलते हुए ही हमें जाना होगा और उस नदी को क्रॉस करके सामने जहाँ घर बने हुए हैं वहाँ हमें पहुँचना होगा। तो देखते हैं, अभी वहाँ तक नीचे तक उतरते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिस्टम है नीचे, किस तरह से रास्ता मिलेगा, कोई छोटा मोटा ब्रिज है या नहीं है। ये भी यहाँ से आप देख सकते हो, अब बिल्कुल नदी की तरफ हम उतरने लगे हैं। सामने बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें ये अभी क्रॉस करते हुए हमें ये नदी क्रॉस करनी है। सामने का पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, वो पूरा पहाड़ खिसक गया है नीचे की तरफ और उसी वजह से शायद ज़्यादा दिक्कत है अभी यहाँ पर क्रॉस करने में। पर देखते हैं, क्रॉस तो लोग कर ही रहे हैं। कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो लग रहा है बस खुद ही अंदाजे से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी आगे की साइड भी जो दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा पत्थरों के ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहाँ से शायद अच्छा व्यू मिल जाएगा कि किधर से हम निकल सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं इस रिवर को। भाई फाइनली रास्ता मिल गया है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कितने बड़े और कितने मोटे मोटे पत्थर हैं, और ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि किसी एक जगह से निकल कर जा सकते हैं, कोई ऐसी पगडंडी भी नहीं बनी हुई। लेकिन बिल्कुल ऊपर आने के बाद दिख गया रास्ता और सामने आप देख सकते हैं एक बिल्कुल काम चलाऊ सा एक ब्रिज बनाया हुआ है, तो उस पर से होते हुए ही हम इस नदी को क्रॉस करेंगे अभी। भाई नदी तो हम लोगों ने अभी क्रॉस कर ली है, लेकिन जो उसके और आप ब्रिज भी देख रहे हैं, वो ब्रिज भी बिल्कुल बस नीचे लोहे के कुछ एंगल लगाए हुए हैं, उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे रखे हैं, उसके ऊपर चलने में वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठोस है, वो चलने में भी दब रहा है पैरों से, तो थोड़ा रिस्की ही है वैसे तो। लेकिन अभी नदी क्रॉस हो गई है और नदी का पानी आप देख सकते हैं बहुत साफ़ है, लेकिन क्योंकि पानी है और ग्लेशियरों में से पिघल कर आ रहा है, तो इसी वजह से हवा में और ज़्यादा ठंडक यहाँ पर लग रही है, काफ़ी ठंड है। पर चलते हैं, अभी देखते हैं आगे भी रास्ता कहाँ से है। सामने देख सकते हो काफ़ी लोग अभी इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो फाइनली लगभग हमारा भी पूरा रास्ता कंप्लीट हो गया है, रिवर हमने क्रॉस कर ली है। तो अब चलते हैं ऊपर, कुछ देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो भाई बिल्कुल ऊपर तक हम लोग आ गए हैं रिवर क्रॉस करके। और ये जो जगह है उसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह का नाम है थुकला और यहाँ का एलिवेशन है अभी 4620 मीटर। यहाँ पर डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। नामचे बाज़ार अगर हम देखते हैं तो 24 किलोमीटर है। लोबूचे अभी जहाँ में जाना है वो 3 किलोमीटर है, यहाँ से 3 घंटे का वॉक है। और एवरेस्ट बेस कैंप की दूरी अब 9 किलोमीटर रह गई है और 9 घंटे का वॉक है। तो चलते हैं आगे। तो जिंजर टी हमारी आ चुकी है, अभी थोड़ी देर खाने का वेट करते हैं और उसके बाद लंच करके फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। अभी हम लोग बाहर बैठे थे, बाहर भी धूप है, अच्छा है, लेकिन बाहर हवा चल रही है और हवा काफ़ी ठंडी है, तो इसलिए बाहर बैठने में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए हमने सोचा कि अंदर बैठते हैं। इस सामने जो आप कैफ़े देख रहे हैं, यहीं पर हमने लंच किया था। तो भाई यहाँ से आपको मैं रास्ता दिखा देता हूँ अभी हमें कहाँ जाना है। तो अब यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे और चढ़ाई चलते हुए वहाँ बिल्कुल ऊपर जो पहाड़ की चोटी है, बिल्कुल वहाँ तक हम लोगों को भी जाना है। तो अभी कुछ दूर का स्ट्रेच जो हमारा है वो काफ़ी खड़ा होने वाला है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई होने वाली है उस पर। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, आराम आराम से जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं। हेलो भैया, उड़ीसा से हैं राइट? कल भी हम लोगों को साथ में थे, हम जो एक्लेमेटाइजेशन हाइक पर हम गए तो हम लोग वापसी साथ में उतर कर आए थे। तो कैसा है अभी तक आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया, सब लोग सर पकड़ लिया। अच्छा, नहीं धीरे धीरे स्लोली। मेरा तो ठीक है, ठीक है, फास्ट नहीं। चलो ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ पर रास्ता आप देख सकते हैं। नीचे थुकला से जो मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऊपर तक हमें जाना है। तो ये वही वाला रास्ता है। नीचे कुछ जगह तो लगा थोड़ा कि पगडंडी जैसी बनी हुई है, उस पर चलते चलते आ सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर वाला अभी जो रास्ता चल रहा है इसके अंदर ऐसी कोई पगडंडी भी नहीं है, बस नज़र के सहारे बस इशारे से आप चल सकते हैं रास्ता देखते हुए। ऊपर तक आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पत्थर हैं पूरे ही रास्ते में, तो एक तो चढ़ाई और ऊपर से रास्ता इतना ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ हो तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आराम आराम से चला जाए तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब से अभी तक हम नीचे से चले हैं अभी तक हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है, अभी तक हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन हाँ हम बहुत तेज़ तेज़ नहीं चल रहे, हम धीरे धीरे जा रहे हैं जिससे ज़्यादा थकावट नहीं हो रही, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी तक रास्ता ठीक मतलब चलने के हिसाब से हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर रास्ते को देखते हैं तो रास्ता तो कह सकते हैं कि ना के बराबर ही है बिल्कुल। कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए हम लोग रुके थे और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे इंडियन भाई मिले हमें। हेलो, कहाँ से हो? भाई पूना से। पूना से? पूना अलग अलग। अब मैं दिल्ली से। अरे ग्रेट, कल मिले थे ना अपन उतरते समय, हम दोनों थे ना श्री चंद्राम, हम लोग काफ़ी टाइम मिल गए, शुरुआत में भी मिले थे जब। तो ये जो ग्रुप है इनके गाइड इनका मोटिवेशन के लिए क्या दे रहे हैं आप इनको? रिश्वत दे रहे हैं। अच्छा, मोटिवेशन के लिए तो अच्छी बात है ना। सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ? हाँ श्योर, बिल्कुल। तो अभी हम थुकला से पूरी खड़ी एक चढ़ाई करते हुए ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पूरा एक मैदान है, घाटी है, और यहाँ पे जो लोग एवरेस्ट समिट करते हुए एवरेस्ट पे चढ़ते हुए या उतरते हुए जो लोग मर गए या गुजर गए तो उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आप देख सकते हैं उनकी याद में यहाँ ये स्तूप रुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, खड़े किए गए हैं। ये कोई रोब हाल हैं तो उनकी याद में ये बनाया गया है। तो अभी जब हम नीचे से पूरी खड़ी चढ़ाई करते हुए ऊपर आए हैं तो ऊपर आने के बाद यहाँ पर पूरा ये काफ़ी बड़ा ये मैदान है जहाँ पर ये मेमोरियल बनाया गया है। तो भाई यहाँ पर आपको मैं एक स्मारक दिखाता हूँ जिन लेट बाबू श्री शेरपा उनकी याद में ये बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है उनका जन्म हुआ था 22 जून 1965 को सोलुखुम्बू रीजन में और बहुत यंग एज में ही 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था एज अ क्लाइंबर और 36 की एज तक वो 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके थे जिसमें वो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े थे सिर्फ 2 हफ्ते में ही, और उन्होंने 21 घंटे समिट के ऊपर बिताए थे बिना ऑक्सीजन के। मतलब ऑक्सीजन का जो एड होता है अलग से जो ऑक्सीजन मिलता है उसके बिना उन्होंने 21 घंटे टॉप पर बिताए थे और वो फास्टेस्ट क्लाइंबर भी बने जो दुनिया के सबसे ऊंचे पीक पर 16 घंटे 56 मिनट में पहुंच गए थे। तो उन्होंने इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन यहाँ पर है कि 29 अप्रैल 2001 को जब वो 36 की एज थी उनकी 36 साल की उम्र में जब वो माउंट एवरेस्ट अपने समिट के लिए जा रहे थे, अपने रास्ते में थे, 11वीं बार वो जा रहे थे, तो वो एक 200 फीट गहरी एक खाई के अंदर गिर गए जिससे एक इतने महान जो क्लाइंबर थे वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में ये यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। काफ़ी इंस्पिरेशनल उनकी स्टोरी भी है, क्योंकि जैसे हम लोग तो अभी सिर्फ बेस कैंप तक जा रहे हैं और बेस कैंप तक जाने के लिए भी तैयारियों की ज़रूरत तो खैर सबको होती है, लेकिन बेस कैंप तक जाने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। तो इतने कह सकते हैं इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी दुनिया में थे जो इतने कम एज में इतनी बार माउंट एवरेस्ट चले गए और उन्होंने रिकॉर्ड्स तक बनाए। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ के आगे आए हैं, तो अब आगे रास्ता ये पूरा ढलान का है जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सामने बहुत ही विशाल एक घाटी है जिसमें चारों तरफ से नदी की धाराएं बह कर के आ रही हैं, और वो बह कर के क्या आ रही हैं, वो बिल्कुल जमी हुई हैं, बर्फ़ जो है बिल्कुल जमी हुई है। यानी यहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। तो भाई अभी एवरेस्ट मेमोरियल से चलते हुए ट्रैक करते हुए कुछ दूर आगे आ गए हैं हम। अभी तक का पूरा रास्ता अच्छा है, बिल्कुल घाटी में है, प्लेन है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो प्लेन होने की वजह से इसीलिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, इस रास्ते पर आराम से बिल्कुल आ रहे हैं अभी तक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक नदी बह रही है और साथ में यहाँ पर कितनी बर्फ़ जमी हुई है इसके किनारों पर। तो भाई इससे आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे हमने पहले गूगल पर सर्च किया था, अभी तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो था कि दिन में भी माइनस में ही रहेगा यहाँ पर टेम्परेचर, तो हो सकता है अभी भी माइनस ही हो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पापा जी खड़े हैं। तो उधर रास्ता हमारा लोबुचे के लिए जा रहा है, और यहाँ पर इधर से हम आए हैं। एक रास्ता इधर और जा रहा है, तो इसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वो थोड़ा ढका हुआ है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ वो चोला पास के लिए रास्ता जा रहा है इधर से। तो जो लोग यहाँ से चोला पास जाना चाहते हैं रिटर्न में, या फिर अभी जाते टाइम, तो उन लोगों को ये वाला रास्ता लेना चाहिए जो इधर से जा रहा है। और वैसे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ढूंढने में दिक्कत होगी। पापा जी अभी जब एवरेस्ट मेमोरियल के आगे से वहाँ से तो मज़ा आ रहा है रास्ते पर चलने में। हाँ जी, फिर रास्ता ऐसे ही आगे फिर ऐसा ही उबड़ खाबड़ रास्ता आगे। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हमने आराम से कवर किया। देखते हैं आगे वाला रास्ता भी हो जाएगा। पीछे हमने पता किया था, तो उन्होंने कहा था अराउंड एवरेस्ट मेमोरियल पर हमने पता किया था पोर्टर से, तो उन्होंने कहा था लगभग 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो चलते हैं। तो भाई आज का पूरा ट्रैक हमारा हो चुका है कंप्लीट, और मैं आपको सामने दिखाता हूँ। बिल्कुल मेरे ठीक सामने लोबुचे है, जहाँ पर हमें आज जब पहुँचना था। तो ऐसा फर्स्ट व्यू ले सकते हैं लोबुचे का, और जैसा कि देखकर लग ही रहा है कि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, काफ़ी लिमिटेड ही गेस्ट हाउस लग रहे हैं यहाँ से देखने में। तो बाकी देखते हैं आगे। ऐसा पढ़ सकते हैं गोरक्षेप, जहाँ की हमें कल जाना है, वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है, और वहाँ से और यहीं से लोबुचे से एवरेस्ट बेस कैंप सिर्फ 6 किलोमीटर है। बाकी नामचे का आप देख सकते हैं 27 किलोमीटर, और थुकला 3 किलोमीटर। तो यानी थुकला में जहाँ पर आज हमने लंच किया था, वहाँ से यहाँ तक हम 3 किलोमीटर चल कर आ चुके हैं। और नामचे बाज़ार, वो तो काफ़ी फेमस जगह है, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। वहाँ से हम 27 किलोमीटर चल कर यहाँ लोबुचे तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है आकर। तो भाई अभी कुछ देर पहले मतलब हमने एक दो जगह होटल्स में ट्राई किया, एक दो जगह हमें रूम नहीं मिले, तो एक जगह जहाँ पर हमें रूम मिला तो हम लोग अभी वहीं पर रुक गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोबुचे के अंदर हमने जो लॉज लिया है, तो ये सामने आप देख सकते हैं, इसका नाम है अबव द क्लाउड लॉज एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, लोबुचे के जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वो 4930 मीटर है। तो जब हम लोग दिंगबोचे में थे वो लगभग 4400 मीटर था, और आज हम लोग 4900 मीटर पर आ गए। और जो कल हमने हाइक भी की थी, उस हाइक में भी, एक्लेमेटाइजेशन हाइक के टाइम भी, हम लगभग 5000 मीटर के अराउंड तक हम हाइक कर कर गए थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं, रूम हमने ले लिया है, सामान वगैरह रूम के अंदर रख दिया है। आते ही जो ऑनर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने आते ही हमको चाय पिलाई। और अगर मैं रूम की बात करूँ, रूम के किराए की, तो वो 1000 रुपीज़ है एक रात के लिए, दो लोगों का। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब हम लोग आए तो मैं वॉशरूम में गया, टॉयलेट में, तो टॉयलेट में जाकर मैंने देखा जिन ड्रम्स के अंदर, जो बकेट थी उसके अंदर जो उन्होंने पानी रखा हुआ था, उस पानी के अंदर भी पूरे में बर्फ़ जमी हुई थी। और वो ऐसी बर्फ़ नहीं थी कि सिर्फ ऊपर से लेयर हो, इतनी मोटी मोटी उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। तो मैंने देखा मतलब ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ऊपर अपना विंडो से भी देखा था, यहाँ पर भी एक जगह बर्फ़ जमी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऊपर आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला विंडो है वही हमारा रूम है, और वही रूम से ही मैंने ये बर्फ़ देखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये जो पानी है ये सब बिल्कुल फ्रीज़ है, बिल्कुल जमा हुआ है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी इसमें पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और पानी बह रहा है, पूरा फ्रीज़ हुआ हुआ है ये। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, यहाँ पर नाली बनी हुई है जिसमें से पानी निकलता होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। और वो सामने वाले बर्फ़ के पहाड़ का नज़ारा आप यहाँ से काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। वो मैं आपको भी बता देता हूँ, जो हमारा सिम है एनसेल की, एनसेल वाली हमारी सिम दिंगबोचे तक काम कर रही थी। नामचे में वो 4G चल रही थी और दिंगबोचे तक वो 3G चल रही थी। मतलब कहीं पर 2G था, कहीं 3G था, चल रही थी। सिर्फ नामचे बाज़ार में 4G था, लेकिन 4G को भी आप बहुत अच्छा वाला 4G ना समझें, लेकिन ठीक ठाक होता है। 3G में भी हमने वीडियो कॉल घर पर कर ली थी, थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत तो थी लेकिन हमने कर ली थी। लेकिन दिंगबोचे के बाद जब हम स्योमारे में पहुँचे, अब पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे कौन सी जगह है। तो जब हम स्योमारे में पहुंचे थे तो वहाँ तक हमें 3G नेट मिल गया था, चल रही थी सिम, हमारी एनसेल की सिम ली थी हमने यहाँ पर, वो काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब हम कल दिंगबोचे आए, कल नहीं सॉरी परसों हम दिंगबोचे आए थे, दिंगबोचे के बाद से लेके यहाँ तक अभी तक एनसेल के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, वो नो सर्विस शो कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने घर में बात कैसे की। घर पर बात हमने ऐसे की, मुझे लगता है मतलब ज़रूरी चीज़ें आपको बता देना चाहिए। तो घर पर बात हमने ऐसे की, यहाँ पर एक एवरेस्ट लिंक करके एक वाईफाई चलता है, वो पूरा जितनी भी जगह रुकने वाली हैं वो हर जगह वर्किंग है, ज़्यादातर जगहों पर। मतलब यहाँ जहाँ हम लोबुशे में हैं यहाँ तक हर जगह मैंने उसके सिग्नल्स देखे हैं, वो हर जगह मिल जाता है। तो वो वाईफाई राउटर है, वो जगह जगह यहाँ पर लगा हुआ है। आप अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन कीजिए, उसके अंदर उसका कनेक्शन आ जाता है, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक होने के बाद वो साइन इन मांगता है, आईडी पासवर्ड मांगता है। अब आईडी पासवर्ड के लिए आपको एक कार्ड परचेस करना होता है एवरेस्ट लिंक का, वो कहीं भी शॉप्स पर आपको मिल जाएगा। तो आप उस एवरेस्ट लिंक के कार्ड को परचेस कर सकते हैं, उसमें आप आईडी पासवर्ड डालिए और बस आप उसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली जहाँ पर उसके सिग्नल्स हैं। और वैसे ज़्यादातर जगहों पर सिग्नल मिल रहे हैं उसके। और ऐसा ही एक नेपाल एयर लिंक भी है, लेकिन उसकी थोड़ी वैलिडिटी थोड़ा कम रहती है। उसमें 500 रुपये के अंदर आपको डाटा, शायद मैं श्योर नहीं कह सकता अनलिमिटेड है या नहीं, लेकिन 500 रुपीज़ का कार्ड मिलता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 आवर्स थी, मैंने पीछे पता किया। और जो हमने एवरेस्ट लिंक का भी लिया है, ये कार्ड 600 नेपाली रुपीस का है और इसमें 1 GB डाटा है और इसकी वैलिडिटी है 30 डेज़ तक। तो हमें लगा ये ठीक है कि अगर 1 GB ख़त्म यहाँ नहीं भी होता है तो हम आगे गोरक्षेप जाएंगे, वहाँ भी हम बात कर सकते हैं। और अगर वहाँ भी वो 1 GB डाटा ख़त्म नहीं होता है तो जब हम रिटर्न करेंगे, वापसी हम नीचे की तरफ आएंगे, तो हम उसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें एक बड़ा पैकेज भी है 2000 नेपाली रुपीज़ के अंदर आपको 10 GB डेटा भी मिलता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है।